की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ में। गोरखपुर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। वनटांगिया गांव में मनाएंगे दिवाली का पर्व। तो गांव के लोगों के साथ में सीएम की दिवाली इस बार होगी। हर साल वनटांगिया में दिवाली मनाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर वासियों को 153 करोड़ की स्वागत भी देंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वनटांगिया गांव पहुंचे हैं और यहां पर दिवाली मनाएंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच चुके हैं और वनटांगिया गांव में इस बार दिवाली मनाएंगे। तो गांव के लोगों के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिवाली मनाते हुए आपको नजर आएंगे। हर साल वनटांगिया में ही दिवाली मनाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो गोरखपुर वासियों को आज 153 करोड़ रुपए की सौगात भी सीएम देंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ये देखिए। मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और साथ ही कुछ ही देर में संबोधित भी करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ में गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी जुड़ गए हैं। रामगोपाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच चुके हैं, मंच से सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं। इसके बाद में उनके क्या कार्यक्रम रहेंगे, कितने बजे तक वनटांगिया गांव पहुंचेंगे? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर में यहां पे जनसभा को संबोधित करेंगे और करीब 153 करोड़ की विकास योजनाओं का वो गोरखपुर वासियों को तोहफा देंगे। उसके बाद फिर यहां से निकलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो मंच पंडाल के ठीक बगल में स्टॉल लगाए गए हैं वहां पे जाएंगे, स्टॉलों को भ्रमण करेंगे और स्टॉलों में देखेंगे कि किस तरीके से जो ODOP के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं किस तरीके से प्रगति कर रहे हैं। वनटांगिया गाँव की जो महिलाएं हैं वो किस तरीके से अब ब्यूटी पार्लर लेके अन्य विधाओं में काम कर रही है उसको देखेंगे और उसके बाद फिर समाज कल्याण विभाग के स्टॉल पे जाएंगे, फिर बाल विकास के स्टॉल पे जाके वहाँ पे अन्नप्राशन भी कराएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और फिर वनटांगिया ग्राम में जाएंगे। वनटांगिया ग्राम में जो पुराने प्रधान है जिनके यहाँ से 2009 से लगातार मुख्यमंत्री दीपावली मनाते रहे उनके घर जाएंगे, वहाँ पे जलपान करेंगे और वहाँ पे एक दिया जला के दीपावली का शुभारंभ करेंगे और फिर गाँव का थोड़ी देर तक भ्रमण करेंगे, विकास कार्यों को देखेंगे और वापस उसके बाद मंच से होते हुए गोरखनाथ मंदिर चले जाएंगे। तो इस वक्त मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, मंच पे बैठे हैं और अब से कुछ देर में वो यहाँ के लोगों को संबोधित करने जा रहे हैं। जी रामगोपाल, 153 करोड़ की स्वागत भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर वासियों को देंगे, इसमें कौन कौन सी परियोजनाएं होंगी जिसका शिलान्यास लोकार्पण करेंगे सीएम? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 52 परियोजनाओं का लोकार्पण और कॉलोनियों की सड़कें हैं, उन गलियों की सड़कें हैं आम हमेशा आते जाते रहते हैं मुख्यमंत्री की ओर से बड़ी छोटी छोटी जिसका आम लोग प्रयास है जिससे लोकल कम रहा था मुख्यमंत्री तो उसी कड़ी में आज गोरखपुर वासियों को ये सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देने जा रहे हैं। जी रामगोपाल, हर साल वनटांगिया गांव ही पहुंचते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिवाली मनाने के लिए, इसके पीछे का आखिर कारण क्या है, आखिर क्या वजह जिसके चलते हर बार वनटांगिया गांव ही पहुंचते हैं सीएम? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2009 से लेकर लगातार गोरखपुर के वनटांगिया गांव इसी जंगल से बने नंबर 3 में वो दीपावली मनाते रहे हैं, क्योंकि जो वनटांगिया लोग हैं ये वन नियम के तहत यहाँ पे वन कानून के तहत रहते थे तो इसलिए उनको उनके गांव को राजस्व ग्राम का दर्जा नहीं था, अगर राजस्व ग्राम का दर्जा नहीं मिलता तो उनको मूलभूत सुविधाएं मतलब आप आजादी लगाइए की आजादी के कई दशक बाद तक इनको वोट देने का अधिकार नहीं था, जबकि ये भारत के निवासी थे, भारत के वासी थे, उसके बाद भी इनको वोट देने का अधिकार नहीं था, इनके के पास सरकार के द्वारा चलाई गई किसी भी योजना का कोई लाभ इनको नहीं मिलता था। इवन जब 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली तो उसके बाद जब प्रधानमंत्री आवास योजना बना था उसका भी लाभ इनको नहीं मिलता था, उज्ज्वला का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन जब 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली तो उसकी तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई। मुख्यमंत्री सबसे पहले इन लोगों के इनके गांव को राजस्व ग्राम का दर्जा उन्होंने दिया और जैसे ही राजस्व ग्राम का दर्जा इन वनटांगिया लोगों को मिला तुरंत इनके विकास की नई तस्वीर और तकदीर बनने लगी। आज अगर इन गांव को देखेंगे तो इन गांव ये गांव जो है राजस्व गांव जो है अच्छे अच्छे गांव को टक्कर देते हुए नजर आते, आज गाँव में सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है, जिस गाँव के जितने भी लोग हैं सबके पास आज पक्का मकान हो गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर जो लोग लाभान्वित नहीं हो पाए
है, उनको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत इसमें लाभान्वित किया गया है। इसी मिलाकर जो गांव है, गांव की तस्वीर बदल गई है, गांव की तकदीर बदल गई है। गांव में सड़क, बिजली, पानी, नाली, खड़क सारी की व्यवस्था हो गई है। जिस स्कूल के लिए एक बार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे तब वो तत्कालीन सांसद हुआ करते थे, उनका मुकदमा दर्ज हो गया था, उस वो तो स्कूल आज संचालित हो ही रहा है। साथ ही एक बड़ा कंपोजिट स्कूल कक्षा 8 तक यहाँ पे चल रहा है, जहाँ पे बच्चे बड़ी संख्या में बच्चे आगे पढ़ते हैं, और ये वही पंडांगिया के बच्चे हैं जो घूमा करते थे, तो आज उनकी पढ़ने की भी व्यवस्था हो गई। अगर पढ़ी यहाँ पे हो गया तो एक राजस्व ग्राम में जितनी सुविधाएं होती है वो सारी सुविधाएं यहाँ पे लोगों को मौजूद है। लोगों को हर घर नल योजना के तहत हर घर में पानी पहुंचा दिया गया है। तो मुख्यमंत्री जब भी आते हैं तो यहाँ के लोगों को तोहफा दे के जाते हैं, और ये तय है कि हर साल दीपावली में यहाँ मुख्यमंत्री जरूर आएंगे। तो इसीलिए अधिकारी भी अगर कुछ कमियां रह जाती हैं तो उन कमियों को तत्काल अधिकारी भी पूरा कर देते हैं, और जिस तरह मुख्यमंत्री के सामने कोई कमी सामने ना आ पाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाँव के लोगों के लिए उद्धार उन्होंने ही किया। और जंगल चकरिया नंबर 3 ही नहीं, बंटांगिया का उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, पूर्वांचल गोरखपुर मंडल की बात करें और देवी पाटन मंडल की बात करें, तो इन दोनों मंडल में 23 से अधिक गांव थे, और उन 23 से अधिक गांव में हजारों परिवार निवास करता था, उनको कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। आज की तस्वीर यह है कि उन सभी के सभी लोगों की तस्वीर और तकदीर बदल गई। मुख्यमंत्री सिर्फ जंगल चकरिया नंबर 3 में अगर आगे दीपावली मना रहे हैं तो ये तो एक सिंबोलिक हो सकता है कि मुख्यमंत्री एक ही गांव में जा सकते हैं, लेकिन आज तस्वीर और तकदीर उन सभी बंटांगिया गांव की बदल गई है, चाहे वो गोरखपुर मंडल के बंटांगिया गांव हो, गोरखपुर महाराजगंज श्रावस्ती बहराइच के हो, या फिर लखीमपुर खीरी और उधर के थारू जनजाति और जो जंगलों में निवास करने वाले जाते हैं वो लोग। तो आज तस्वीर और तकदीर उन सभी की बदल गई, क्योंकि सभी को राज्य सरकार का दर्जा मिल गया, केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है। आज उनके पास पक्के मकान हो गए हैं, क्योंकि वन नियम के तहत 4 फीट से ऊंचा कोई मिट्टी की दीवार नहीं खड़ा कर सकता था, उस पे घास फूस के छप्पर ही डाल के रखा जा सकता था। अगर उसके ऊपर कोई कुछ करता था तो उसके ऊपर तुरंत वन विभाग मुकदमा दर्ज करा देता था। यहाँ कई आंदोलन भी हुआ, 1985 में 80 के दशक में एक बड़ा आंदोलन यहाँ पे हुआ था जिसमें एक की मौत हो गई थी, 25 लोग घायल हो गए थे। तो इस तरीके से आंदोलन होते रहे हैं, उस तरीके की बातें होती रही, लेकिन किसी ने सुना नहीं। सुना तो सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने से पहले जब वो सांसद हुआ करते थे तो सांसद होने के रूप में वो लगातार इन गांव का भ्रमण किया करते थे, और जब वो आते थे तो यहाँ की समस्याओं को देखते थे, उनको यहाँ की समस्याओं के बारे में उनको विधिवत जानकारी थी। तो जब उन्होंने खुद कमान संभाली तो उन सारी उन लोगों की समस्याओं का समाधान किया और उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश की, और आज उसी का नतीजा है कि न सिर्फ जंगल चकरिया नंबर 3 गोरखपुर, बल्कि गोरखपुर जिले के 4 अलग और फिर महाराजगंज के करीब 11, इसी तरीके से श्रावस्ती बहराइच, इन सभी गाँव की तस्वीर और तकदीर मुख्यमंत्री ने बदल के रखी और लगातार विकास। बिल्कुल रामगोपाल, तस्वीर तो बदलते हुए हम देख रहे हैं कि हर एक कोने तक विकास पहुंचे, यही प्राथमिकता योगी सरकार की। लेकिन क्या आज लक्ष्मी पूजा में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हो सकते हैं? रामगोपाल, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? रामगोपाल, क्या आज लक्ष्मी पूजा में भी मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं, क्योंकि दीपावली पर विशेष तौर पर लक्ष्मी पूजा का आयोजन होता है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी जब बंटांगिया गांव से निकलेंगे तो सीधे गोरखनाथ मंदिर में जाएंगे, और गोरखनाथ मंदिर में जो परंपरागत तरीके से दीपावली पे लक्ष्मी पूजन होता है, उस परंपरागत तरीके से उस पूजन में वो शामिल होते हैं, और हर साल की तरह उस साल इस साल भी दीपावली मनाएंगे, क्योंकि जहाँ पे मुख्यमंत्री का निवास स्थान है उसी के ठीक बगल में शक्ति मंदिर है, और उसी शक्ति मंदिर में माँ दुर्गा के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी आज वो पूरा पूजा करेंगे, और शाम को अपने उसी शक्ति मंदिर में वो दीप जला के शुरुआत करेंगे, दीपावली की शुरुआत करेंगे, और उसके बाद पूरे गोरखनाथ मंदिर को दीपों से चकमा दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री आज जो है दीपावली अपने गोरखनाथ मंदिर में मनाएंगे और लोगों से फिर मुलाकात करेंगे, लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देंगे, और मंदिर के शक्ति मंदिर में ही जो है वो लक्ष्मी पूजन करेंगे। जी
तो बिल्कुल लक्ष्मी पूजा का कार्यक्रम और उसके बाद पे वनटांगिया गांव पहुंचेंगे। फिलहाल आप ये तस्वीरें देख रहे हैं गोरखपुर से, जहां आज 153 करोड़ की सौगात सीएम देंगे, साथ ही कई परियोजनाएं इसमें शामिल होंगी जिनका लोकार्पण और शिलान्यास आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी मंच से करेंगे। तो मंच पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और देखिए तैयारियां लगभग पूरे मंच को फूलों से सजाया गया है और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित करेंगे। क्या कुछ उपलब्धियां रहेंगी वो एक बार फिर से जनता के सामने रखेंगे। तो गोरखपुर के लिए आज एक बड़ा गिफ्ट मिलने जा रहा है, ये दिवाली गिफ्ट जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। रामगोपाल, दिवाली का मौका है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं, इसके बाद में वनटांगिया गांव पहुंचेंगे, मंच पर भी हम देख पा रहे हैं और कौन कौन से नेता उनके साथ में इस वक्त मौजूद है। तो रामगोपाल हमारे साथ में जुड़े, रामगोपाल क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी आवाज पहुंच रही है, क्योंकि इस वक्त में एक तरीके से जो जंगल है, जंगलों के बीच में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो बीच बीच में नेटवर्क थोड़ी सी दिक्कत जरूर कर रही है, लेकिन इस वक्त मुख्यमंत्री मंच पे मौजूद है और यहाँ से अभी सबसे पहले जो 153 करोड़ की 52 योजनाओं है उसका लोकार्पण शिलान्यास के बाद वो गाँव में जाएंगे। रामगोपाल आप बने रहिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। और देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं गोरखपुर से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं और कुछ ही देर में वो जनता को संबोधित भी करेंगे। और चलिए सीधा रुख करेंगे गोरखपुर का, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और कुछ ही देर में वनटांगिया गांव के लिए भी रवाना हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले पूजा अर्चना करेंगे और साथ ही उनकी लक्ष्मी पूजा का भी कार्यक्रम है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से, सीधी तस्वीरें हैं एक्सक्लूसिव। इस वक्त मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है, साथ ही स्थानीय सांसद और विधायक भी मंच पर। तस्वीरें आप देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। तो आज 153 करोड़ की बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर वासियों को देंगे और इसके अलावा उसके बाद में गोरक्षनाथ मंदिर में पहुंचेंगे, वहां पहुंचकर लक्ष्मी पूजा होनी है, विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद में दीपावली मनाने के लिए वनटांगिया गांव जाएंगे, वहां के लोगों के साथ में दीपावली मनाएंगे। जैसा कि इससे पहले हमारे सहयोगी आपको बता रहे थे कि जो विकास है उसकी एक रफ्तार वनटांगिया गांव में देखी जाती है, क्योंकि कई सालों पहले वो काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ गाँव था, लेकिन विकास की जो बड़ी सौगातें हैं बैक टू बैक जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने गांव में दी है, उसके बाद में अब वहां पर काफ़ी ज़्यादा लोग विकसित हो गए हैं और हर साल मुख्यमंत्री वनटांगिया गांव में ही दिवाली मनाते हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है, गीत संगीत भी आपको सुनाई दे रहा होगा और मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है। दिवाली का पर्व पूरे देश भर में धूमधाम से आज मनाया जा रहा है। अयोध्या में सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी जाकर पूजा अर्चना की, इसके बाद में सीएम योगी ने रामलला के दर्शन किए और साथ ही सीएम योगी ने अयोध्या में दीपोत्सव को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया ने अयोध्या की भव्यता देखी है, 90 के दशक में अयोध्या में कर्फ्यू लगा करते थे और दीपोत्सव अब यहां पर मनाया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर अयोध्या को दुनिया की सबसे सुंदर नगरी बनाएंगे और इसके लिए योजनाओं पर भी काम चल रहा है। दो तस्वीरें, पहली तस्वीर हनुमानगढ़ी की, जहां पर हनुमानगढ़ी के जो महंत है राजू दास भी उनके साथ में मौजूद है, पूजा अर्चना कर रहे हैं सीएम, कुछ ही देर पहले की तस्वीरें, उसके बाद में रामलला के दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे। इससे पहले सीएम योगी ने अयोध्या में काठ सेवकपुरम जाकर साधु संतों से मुलाकात की और सीएम योगी हनुमानगढ़ी और रामलला परिसर में गए, वहां दर्शन पूजन भी किए और साथ ही ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये साधु संतों से मुलाकात की ये तस्वीरें, कुछ देर पहले की ही ये तस्वीरें हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ कार सेवकपुरम पहुंचे थे, संतों के साथ में उन्होंने मुलाकात की थी और साथ ही ये देखिए ये इनको साफा पहनाकर स्वागत करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। मित्रों आप सबको
पूरे प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई। दीपावली मिलन के अवसर पर अभी पूज्य संतों के साथ यहां पे हम लोग कार सेवक पुरम तो श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन की एक प्रमुख केंद्र बिंदु था, यहां पर इन सभी पूज्य संतों के साथ मिलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। सभी में उत्साह है, उमंग है और एक नए संकल्प के साथ रामलला में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के फलस्वरूप रामलला के विराजमान होने के कार्यक्रम में सभी लोग उत्साह के साथ भाग लेने के लिए संकल्पित हैं। यहाँ पर जो सकारात्मक ऊर्जा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विजन के अनुरूप दीपोत्सव तो देखिए इस छोटे से बच्चे है जिसको दुलार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। ये गोरखपुर की तस्वीरें हैं मंच पर, जैसे कि अभी पहले भी हमने आपको दिखाई तो महिला एक छोटी बच्ची को लेकर मंच पर पहुंची तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्ची को गोद में लेकर दुलार किया और ये जो गिफ्ट है महिलाओं को दे रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ दिवाली के मौके पर। जैसा कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि आज कई बड़ी सौगातें सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जिस तरह से योगी आदित्यनाथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं इसी के चलते आयुष्मान बीमा योजना के तहत में ये जो कार्ड है ये सीएम योगी आदित्यनाथ आज दे रहे हैं। देखिए ये आयुष्मान कार्ड और साथ ही मिठाई महिलाओं को दी जा रही है। तो केंद्र सरकार की ये जो योजनाएं हैं इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये आयुष्मान बीमा कार्ड वितरित कर रहे हैं और साथ ही मिठाई भी यहां पर देते हुए आप देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। इससे पहले देखिए एक डेटा भी शेयर किया गया था जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर वन था, सबसे ज्यादा जो आयुष्मान कार्ड थे वो उत्तर प्रदेश में बने थे और साथ ही इस योजना को और आगे बढ़ाते हुए ना सिर्फ आज मुख्यमंत्री कार्ड दे रहे हैं साथ ही मिठाई भी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक एक कर सभी वो लोग पहुंच रहे हैं जिन्होंने आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई किया था और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद अपने हाथों से आयुष्मान कार्ड वितरित कर रहे हैं। तो आयुष्मान बीमा योजना जिसके चलते फ्री सभी को इलाज मुहैया कराया जाता है। तो कई योजनाओं के तहत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर गिफ्ट दे रहे हैं गोरखपुर वासियों को। तो इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही गोरखपुर की जनता काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है। मुख्यमंत्री जब भी यहाँ पर पहुंचते हैं कई बड़ी सौगातों के साथ में यहाँ पर आते हैं और आज दिवाली के मौके पर अलग अलग उपहार गोरखपुर वासियों को मुख्यमंत्री दे रहे हैं। ये देखिए चेक और साथ ही मिठाई। सीएम योगी आदित्यनाथ दिवाली के मौके पर चेक का वितरण भी कर रहे हैं, इसके अलावा उन्होंने इससे पहले आयुष्मान कार्ड भी लोगों को दिए और घर की चाबी भी। जैसा कि योगी सरकार लोगों को घर भी मुहैया करा रही है, इससे पहले आवास योजना के तहत में कई लोगों को घर दिया था वहीं आज भी कई लोगों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने घर की चाबी दी है। तो थोड़ी देर में जनता को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री। तस्वीरें आपको दिखा रहे गोरखपुर से पेयजल, आंगनबाड़ी और पंचायत घर जैसे कार्यों से विकास की नई कहानी कह रहे हैं वनटांगिया गांव। अंत्योदय के संकल्प से आई है वनवासियों के चेहरों पर यह मुस्कान। यह सफल है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अथक अविराम जन कल्याण के लिए की गई साधना का। डबल इंजन सरकार ने वह संभव कर दिखाया जो दशकों से था असंभव। आजादी के बाद पहली बार